ज़रूरत है, इधर ख़ास तौर पर सिंध को ज़रूरत है। सिंध के पास बहुत वसाइल हैं यकीनन, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है और इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है। वो हम कर भी रहे हैं, जिन्होंने भी किया है, और हमसे पहले जरदारी साहब के ज़माने में भी हुआ। हमारे चेयरमैन साहब भी बहुत ही परेशान हैं इन चीज़ों पर कि यहाँ काम होना चाहिए जहाँ महंगा है। ये तो हमारी और किसके पास है सब मैनिफेस्टो, इलेक्शन में हमने ही दिया, चेयरमैन साहब ने दिया, किसने नहीं दिया, अलाए इन्हनि खे कहिड़ी परवाह आहे, कीअं साहब इन्हनि खे वोट ख़बर नथी पए। बाक़ी हे ॾे त पुछा आहे असां खां, सभिनी खां पुछा आहे, जेतिरो कमु कयो ओतिरो चङा अञा थोरो आहे, वधीक कयो हिसाब असां उहे तोरींदड़ वठनि था। जेके ग़रीब माण्हू आहिनि उहे बि हाणे होशियारु आहिनि पंहिंजे कम जे लाइ ऐं ख़िदमत जे लाइ, उहे पुछनि था कान हाणे ख़ासि तरह ताज़ो विसर न हूंदा असां खां त कहिड़े असां केॾा इलाज करायो, कमु कंदे बि इलाज करायो। बाक़ी हेॾे त ख़बर न आहे त हिननि 30 सालनि में 40 सालनि में छा कयो आहे, उहो ॿुधाइनि असां खां त पुछनि था वारी थी अचे। मां त चवां वारी छा थी अचे, उते ॾिसो सही वारी मोक सोनो कारो थियो लभे। इनशाला ॿियो न बंदो हुजो साईं खे बसि वरी ज़ोर ॾींदासीं सभु असांखे, पर पाण साह बि न छॾींदुसि। त उहो चवंदुसि त ठाहियो कोले ते बिजली महांगी आहे सस्ती कराए। त पीपल्स पार्टी जा इहे कम आहिनि न साईं, अहिड़ो सारो प्लांट हिननि ख़्वाब में बि न ॾिठो हूंदो त को कोयले ते बि को बिजली ठही सघे थी। इहो आसिफ साहबु ऐं असांजो चेयरमैन साहबु इन्हनि जी इनोवेशन आहे, त उन ते असां छड़ो कमु कयो आहे। असां चवण वारा बि उहे, ॾियण वारा बि उहे आहिनि त हे कमु करे ॾियो, उमेदु रखनि था नी कारकुननि में त हे कंदा, ऐं सिलेक्शन बि तॾहिं था कनि त हे कम वारा माण्हू आहिनि हेॾे, ऐं इन्हनि खे कमु ॾींदासीं त इहे माण्हुनि जा कमु कंदा, ग़रीबनि जा कमु कंदा। हाणे ताज़ो साईं तव्हां शायदि हूंदो, चेयरमैन साहबु हिकिड़े जलसे में असां सभिनी खे जेके उमेदवार हुया टिकेट वठण वारा हुया, टिकेट न पियो ॾेई बाबा बीहो हिते माण्हुनि खां पुछियईं आवाम, अहिड़ी जमूरियत किथे आहे जेका असांजा पंहिंजा लीडर बि था कनि ऐं आवाम बि थो करे। जीअं चवंदा आहिनि त साईं सियासत ऐं ख़ासि तरह इलेक्शन घाणो आहे, घाणे में पीड़ बि आहे, ईअं असांजा जेके साथी हेॾे वेठा आहिनि आवाम असां सां इहा हालति कंदो आहे। ॿुधाईंदा आहिनि बाबा हे तव्हांखे हिकिड़ी साईं 67 पुट आहिनि, ॿिनि खे निकिरो ॾिनो त छा थियो, हाणे 7 साल 5 साल थी विया उन्हनि खे ॾियो नी, हाणे एॾी उमेदु था रखनि बसि साईं छा इहे माण्हू उमेदु बि उन में रखबी आहे जेको करण वारो हुजे कमु, बाक़ी ना उमेदु वारो जे वारे खे कहिड़ो ॻाल्हाइणो आहे। तंहिं करे हिननि खे पाण खे ॾिसणु घुरिजे त हाणे थोरी थी तकलीफ़ अचनि त हेॾे था भॼनि, ॾिसनि वरी हेॾे था साईं पहुचो पहुचो पाणी कोन्हे, ड्रेनेज भॼी पई आहे, नंढा वॾा कम बि उहे बि पाण नथा करे सघनि। एम पी ए साहबु आहिनि घटि कोन्हनि, ऐं हितां जा एम पी आहिनि कराची जा, बाक़ी कराची सभिनी जो आहे, इहो त चवण जी ॻाल्हि कान्हे त को हिननि जो आहे असांखे हटी कान्हे, त असांजी मालिकी आहे, असां ख़िदमत कयूं था, असां पीपल्स पार्टी वारा ख़िदमत कयूं था, ऐं उहो यादि उन्हनि खे रहे थो। भली पुछा था कनि पर वोट वरी बि चवंदा ॿी कहिड़ी पार्टी आहे जंहिं कमु कयो आहे हिते, जे ॾसनि त असां हे पाड़ माया आहिनि हेॾी वॾी बिल्डिंग ठाही आहे, जीअं असां एन आई सी वी डी वारी बिल्डिंग ठाही आहे, अहिड़ी ठाहे त ॾेखारनि न, का मस्जिद ठाही अथऊं, को मेंबर ठाहिया अथऊं, बसि छड़ो ख़ार आहे असां ते, अलाए छो अली ख़ार आहे पीपल्स पार्टी ते। बाक़ी कमु त कयो आहे पीपल्स पार्टी से ऐं हुनजे नुमाइंदनि से, हे सभु कम वारा माण्हू अथव, न त मज़ा लाइ हेॾे काॾे अचंदा हिते, हे कमु पुछी पोइ असांजा वोट तिखा आहिनि, कमु पुछी पोइ वोट ॾींदा आहिनि, ईअं अखियूं ॿूटे कोन वठंदा, हिननि खे शायदि अखियूं ॿूट था वोट ॾियनि, ख़बर नथी पए। त हाणे वरी अञा चवंदुसि त वरी पोइ शायदि उथी खड़ा थींदा, तंहिंजे करे एतिरो ई खोड़ आहे वरी मौक़ो मिलियो ॾिनो त हिननि मौक़ा ॾींदासीं इनशा लाइ।
जिंदगी याद में वो ऐसा भी लव खराब न तो चलो दी जाए जो हम जो हमारा मजहब कहता है कि वी ऑल इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड एंड अल्लाह हैज ब्रॉट अस इन दिस वर्ल्ड टू ट्रीट एवरीबॉडी इक्वली सो हम सब की तरफ से स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मेरे वर्करों की तरफ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वर्करों की तरफ से आसिफ जरदारी साहब के वर्करों की तरफ से मेरी लेडीज़ की तरफ से हम सब की तरफ से यहाँ बैठे हुए इस ऑगस्ट हाउस में हमारे जितने MPAs हैं उन सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो मुराद अली शाह साहब आपको और इसी नीयत से कि इंशाअल्लाह ताला जो आइंदा वक्त आएगा हमारा अज़्म है और हमारा ईमान है कि हम नेक नियति से इस सिंध सूबे के लिए काम करेंगे जैसे हमने पहले भी किया है और इसी नेक नियति से MQM पाकिस्तान को अपने साथ लेके चलेंगे और जहाँ भी इस और जो भी इस अवाम में बैठे इस तरफ मेरे राइट हैंड साइड पे बैठे लोग बैठे हैं और मेरी बहनें बैठी हैं हम सबको अपने साथ लेके चलेंगे हम साथ चलने वालों में से हैं हमारे में बहुत पेशेंस है हम सबके लिए काम करना चाहते हैं हम इस सूबे के लिए काम करना चाहते हैं हम अपने वतन के लिए काम करना चाहते हैं ये सूबा है तो हम हैं हमारी पहचान ये सूबा है हम सिंधी हैं हमारी पहचान पाकिस्तान है हम पाकिस्तानी हैं हमारी पहचान कि हम मुसलमान हैं ये सब हमारी पहचान है और हमारी इंडिविजुअली एज पहचान कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं और हम वर्करों की तरह से काम करते हैं हमने इतनी आसानी से ये सीटें नहीं जीती हैं बड़ा मुश्किल वक्त देखा है बड़े लोगों की बातें भी सुनी हैं लोगों से आजिज़ी भी की है और हर एमपीए ने अपना इलेक्शन जीता है लड़के जीता है मुस्कराते हुए जीता है लेकिन हम जीत के आए हैं अपना इलेक्शन और अल्लाह करेगा रब्बिल आलमीन कि जो आज हमारे नंबर्स हैं आज हमारे नंबर्स 112 हैं आपको 112 वोट मिले हैं CM साहब इंशाअल्लाह ताला कमिंग डेज कमिंग इलेक्शंस इलेक्शन होते रहेंगे हमें कहाँ जाना है हमें यहीं रहना है इस धरती पे रहना है इसी धरती में ही मरना है इसी धरती में रहेंगे और इसी धरती का काम करेंगे और अपने लोगों का काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसी उम्मीद से कि आगे हमारा परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होगा और हम इससे ज़्यादा सीटें उठाएँगे और बेहतर काम करेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से के साथ चलेगी हम पीछे होंगे वो आगे होंगे और हमें लेके चलेंगे और इस मुल्क को लेके चलेंगे और सारी आवाम देखेगी कि सिंध सूबा जो है वो कैसे परफॉर्म करता है और दूसरे सूबे कैसे परफॉर्म करते हैं ये भी देखा जाएगा ये भी वक्त बताएगा थैंक यू वेरी मच अगेन lots and lots of congrats to our chief minister to the party to the people of this party GA Bhutto सिंध असेंबली का इजलास जारी है फरियाल तालपुर इजहार ख्याल कर रही थी उन्होंने कहा कि MQM को साथ लेकर चलेंगे सिंध के लिए नेक नियति से काम करेंगे हम सब के लिए काम करना चाहते हैं सूबा है तो हम हैं सिंध ही हमारी पहचान है हम सब अरकान इलेक्शन जीत कर आए हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मिस्टर स्पीकर सर I am truly humbled. आज इस असेंबली ने मुझे तीसरी बार इस सूबे की सरबराई के लिए चुना है आज से तकरीबन 7.5-8 साल पहले पहली बार 29 जुलाई 2016 को पहली बार मुझे पार्टी लीडरशिप ने नॉमिनेट किया और इस असेंबली ने मुझे चुना था और उस दिन मैंने अपनी तकरीर का आगाज़ एक दुआ एक कुरानी आयत से किया था जिसमें अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मुझसे ये दुआ मांगो और मैं आज वो दोबारा आयत पढ़ना चाहता हूँ ये
सूरह बनी इसराइल की 80वीं आयत है, वकुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिदकियूं व अखरजनी मुखरजा सिदकियूं व अली मिन लदन का सुल्तान नसीरा। सर आई ट्रांसलेटेड बोथ इंग्लिश एंड उर्दू। अल्लाह ताला फरमाते हैं से, यानी वो कहते हैं मांग कहो, ये तो क्या कहो, ओ माई लॉर्ड लेट माई एंट्री बी बाय द गेट ऑफ ट्रूथ एंड ऑनर एंड लाइकवाइज माई एग्जिट बाय द गेट ऑफ ट्रूथ एंड ऑनर एंड ग्रांट मी फ्रॉम दाई प्रेजेंस एंड अथॉरिटी टू एड। और उर्दू में, और आप अपने रब के हुजूर ये अर्ज करते रहें, ऐ मेरे रब मुझे सच्चाई और खुशनुदी के साथ दाखिल फरमा और मुझे सच्चाई और खुशनुदी के साथ बाहर ले आ और मुझे अपनी जानिब से मदद देने वाली कुव्वत भेज दे। अल्लाह ताला ने पहली बार 29 जुलाई 2016 को मुझे दाखिल किया। मैं हमेशा ये चाहता था कि जिस तरीके से, जिस इज्जत के साथ मैं दाखिल हुआ हूँ, मेरा निकलना भी अल्लाह ताला की खुशनुदी से, उसी इज्जत से हो, इज्जत से हो। लेकिन उसके बाद दूसरी बार, मेरी वो 17th of August 2018 और आज 26 फरवरी 2024 तीसरी बार अल्लाह ताला ने दोबारा मुझे दाखिल किया। और आज भी मेरी यही दुआ है कि जब भी मेरी एग्जिट हो, इसी सच्चाई और अल्लाह ताला की खुशनुदी के साथ हो, और मैं ये दुआ हमेशा मांगता रहूँगा। स्पीकर साहब, जैसे सबसे पहले तो मैं रब ताला का शुक्रगुजार हूँ, मैंने फिर से वो दुआ मांगी है। उसके साथ साथ आज मुझे ज़रूर अपने पेरेंट्स याद आते हैं, और आप खुश नसीब हैं, कल आपके ओथ पे आपके वालिद तशरीफ़ लाए थे, और मुझे शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो याद हैं। जब मैंने पहली बार सूबाई असम्बली के मेंबर का ओथ लिया था, मेरे वालिद उस वक्त हयात थे, उन्होंने कहा था कि तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे वालिद ने तुम्हारी खुशी देखी है। मैं जब चीफ मिनिस्टर बना तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं थे, लेकिन मुझे ये अच्छी तरह पता है कि उनकी दुआएं, उनकी तरबियत, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उसके साथ साथ आज मुझे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी बहुत याद आती हैं। मेरी पॉलिटिकल मेंटोर, मैंने सियासत में आना नहीं था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एग्जाइल में थी, वो जब बाहर तशरीफ लाती थी तो मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का। और 2002 के जब इलेक्शन हुए तो मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा, मेरा भाई इधर बैठा है, हम दोनों से कहा कि जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मैंने बड़ी मेहनत की है, अगर आप दोनों में से कोई चाहे तो जाके इलेक्शन लड़े। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे इनक्रेज किया, और अल्लाह ताला की खुशनुदी से मैं आज तीसरी बार चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन जीता है मैंने, और 5 बार इस असेंबली का मेंबर 5वीं बार बना हूँ। मैं अपनी फैमिली का शुक्रगुजार हूँ, हमेशा मेरा जिस तरीके से साथ दिया है, बहुत मुश्किल टाइम रहा है ख़ास तौर पे। और मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा, आगा साहब ने जिक्र किया था पिछले 5 सालों का, मेरे ख्याल है मैं भी थोड़ा जिक्र ज़रूर करूँगा कि किस तरीके से हमने वो 5 साल गुजारे। जो दोस्त जानते हैं, इधर जो बैठे हैं, जो कुछ दोस्त दोनों साइड से जो हमारे साथ थे उन्हें तो पता है, लेकिन जो नए दोस्त आए उनको भी बताना चाहता हूँ, और मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा उसके लिए। तो मेरी फैमिली ने हमेशा उस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, और मैं अपनी लीडरशिप का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब, अदी फरियाल टालपुर साहिबा,
जिस तरीके से उन्होंने उस मुश्किल वक्त में, ऐसा भी वक्त था और वेशा साहब आप अच्छी तरह जानते हैं आप भी, कि कहा जा रहा था कि तुम कल अरेस्ट हो रहे हो या परसों अरेस्ट हो रहे हो। इधर सामने खड़े हुए मैं कुछ दोस्तों को बता रहा था, इतना दूर, ये यहाँ से 3 फीट दूर क्या क्या नहीं कहा जाता था। उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अगर मुराद अली शाह को जेल भेजते हो तो जेल से मेरा चीफ मिनिस्टर होगा, और यही वजह थी कि उनकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जेल में रहे, अदी फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात अस्पताल से जेल ले जाया गया। आगा सिराज दुरानी साहब इस असेंबली के स्पीकर रहते हुए, मैंने कल भी ये बात कही थी, तकरीबन 3-3.5 साल मुझे पूरा अरसा भी याद नहीं है, जेल से असेंबली चलाते थे, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है जिन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम्हारे गलत केसेस हैं और तुम इन केसेस के जरिए हमारे लोगों को दिल बर्दाश्ता नहीं कर सकते। और यहाँ से वो जेल से आते थे, इस कुर्सी पे बैठते थे और फिर यहीं से वो बख्तरबंद गाड़ी में बैठ के वापस मलीर जेल चले जाया करते थे। ऐसे कठिन टाइम थे जो कि गुजरे। तो मैं अपनी पार्टी लीडरशिप को सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस मुश्किल से उन्होंने इस पार्टी को लीड किया और मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे ऊपर एक बार फिर भरोसा किया है, और ये कोई आसान काम नहीं है। मैं भी ये जिम्मेदारी संभालते हुए कई बार सोचना पड़ता है जो मुश्किलात हैं मुल्क को इस वक्त, और थोड़ा सा जिक्र उनका भी करूँगा आगे चल के। लेकिन जब तक हिम्मत है, और अल्लाह ताला से यही दुआ मांगी है, इस दुआ यही की है कि वो मुझे वो कुव्वत दें कि मैं इन मुश्किल हालात से निपट सकूं और इस सूबे को और इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। मैं सारे असेंबली मेंबर्स का दोनों साइड से बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे वोट किया, 112 मेंबर्स, 36 जिन्होंने वोट दूसरी तरफ अली खुर्शीदी साहब को दिया, एक प्रोसेस में हिस्सा लिया, वो दोस्त भी, वो भाई भी जिन्होंने, अगेन ये भी पॉलिटिक्स में ये बुरी रिवाज है कि आप एब्सटेन करें, उन्होंने एब्सटेन किया, वोट नहीं दिया। मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोनों तरफ को ऐसे ले जाऊं साथ कि मैं फर्क ना रखूं, और इंशाल्लाह ताला अपने काम से मैं, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दोस्त हों, चाहे हमारी जमात इस्लामी के भाई हों, और मैंने बताया भी था फारूक भाई को कि मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं 2002 में पहली बार मेंबर बना था तो शहीद मरूम नसरुल्लाह खान छजी हमारे साथ थे और मैंने उनसे बहुत सीखा था, बहुत ज़्यादा, हमारी बड़ी थी। और फिर पिछली जो 2018 से 2023 तक की असम्बली थी उसमें अब्दुल रशीद हमारे साथ थे, वो भी बहुत साबित कदम थे, और हम आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि आप वैसे ही असेंबली में अपना किरदार, एक मजबूत किरदार अदा करेंगे। चाहे मुझे पता नहीं मैं उनको क्या कहूँ, पीटीआई कहूँगा तो आप लोग सीटें आपकी चली जाएंगी सारों की जो भी है इसलिए कि मैं उनके अपने हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो उन्होंने आए और पार्टिसिपेट किया। और मैं उनसे ये कहूँगा जो मैंने अभी बातें कही थी ना, बहुत अफसोस के साथ, कि आपकी जमात ने पिछली बार शायद उनका पता नहीं क्या डायरेक्शन थी, लेकिन उससे उनको मिला कुछ नहीं। मैं चाहूँगा, ये हम सब ये चाहेंगे कि आप एक मस्बत किरदार अदा करें, इस असेंबली की प्रोसीडिंग्स में आप बाकायदा हिस्सा लें, कंट्रीब्यूट करें। और सारे दोस्त तनकीद से कभी नहीं डरते, तनकीद आप नहीं करेंगे तो हम अपनी इसलाह कैसे करेंगे, हर चीज़ हम दुरुस्त नहीं करते, कोई इंसान नहीं करता, अल्लाह ताला की जात के अलावा हर एक शख्स गलतियां करता है। तो अगर आप हमारी गलतियां पॉइंट आउट नहीं करेंगे, लेकिन एक मजबूत तरीके से करें ताकि हम वो सुने भी,
ये आप सबसे दरख्वास्त होगी तो साइड के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस सूबे के लोगों का, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को सूबे सिंध के लोगों ने, और मैं ख़ासतौर पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट जामछोरो के लोगों की बात करूँगा, इधर जैसे ही हम जीते और कल भी मैं आया था तो साफ़ी आ जाते हैं सामने, तो उन्होंने सवाल किया कि जी आपने इतनी सीटें जीती कैसे, तो मैंने उन्हें कहा था मेरी सारी जो ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लो या जो भी मैंने जहाँ भी कही है मैंने कहा था, और मेरा अल्लाह का शुक्र है 5 इलेक्शंस लड़े, उससे पहले अपने वालिद साहब के साथ इलेक्शंस के देखते थे, और मेरे उस्ताद हमारे सीनियर कैमली शाह साहब निसार घोड़ो साहब जो कि इस असेंबली के मेंबर बने, इंशाल्लाह वो भी कुछ दिनों में ज्वाइन करेंगे, आगा सिराज दुरानी साहब और सारे दोस्त, हम लोगों की नब्स को जानते हैं, हमें पहले से पता होता है, मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई बात नहीं है, जैसे आप लोग भी जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करते हैं उन्हें पता होता है कि कहाँ जा रहे हैं। और मैंने कहा था, और अभी बैठी हैं, इन्होंने मुझसे पूछा था आज से कोई महीना पहले कि कितनी सीटें लेंगी, मैंने कहा 90 to 95, हम 89 पे रुक गए, मैं खुद फेल हो गया, और उसकी वजूहत है खैर किसी दिन उस पर भी बात करेंगे कि क्यों 2-3 सीटें हैं जो चले 90, एक सीट कम हुई हमारी, कम से कम एक सीट कम हुई, लेकिन उसके आपने देखा होगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हाँ हमें भी बहुत एतराज़ात हैं इलेक्शन पे, हमें भी खदशात हैं, लेकिन हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे, हम अपनी 1 या 2 या 4 या 5 सीटों के लिए इस मुल्क की सालमियत से नहीं खेलेंगे, हम किसी को ये मौका नहीं देंगे कि वो हमारी कमजोरियों का फायदा उठाए, हम कानूनी बिल्कुल अपनी जंग लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे वो सीटें जो हमसे गई हैं वो वापस मिले, लेकिन सबसे पहले हमने इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क के इस्तेहकाम को देखना है। ये इस वक्त हम कोई आसान दौर से नहीं गुजर रहे हैं। तो ये जो सवाल किया था मुझसे और मैंने जवाब दिया था, 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, ये हमारे सारे मेंबर्स जो जीते हैं इधर, मैं आप लोग भी करते होंगे, मैं किसी को नहीं कहता लेकिन मैं आपको बताता हूँ, 9 फरवरी से उन्होंने अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी, हम इलेक्शन से 1-2 महीने पहले तैयारी नहीं करते, हम उसी दिन देखते हैं कि क्या शॉर्टकमिंग्स रह गई हमारी, अगर किसी ने हमें वोट नहीं किए तो क्यों नहीं किए, उनको क्या तकलीफ हमसे हुई, क्या उनकी हम जरूरियात पूरी नहीं कर सके, और यही वजह है कि जैसे शर्जील मेमन ने बताया था, और शर्जील का मैं किस्सा वो बुला रही, पिछली बार तो इलेक्शन के अंदर से इलेक्शन जीत, जेल के अंदर से इलेक्शन जीत गया था, इस दफे तो बाहर था तो फिर तो वोट लेने ही थे ना, तो उसी दिन हम देखने शुरू कर देते हैं कि हमने अगली इलेक्शन के लिए कैसे तैयारी करनी है। और यही वजह है कि 2008 के बाद 2013 में जब हमने 5 साल मुकम्मल किए, कैमली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमने 2008 से ज़्यादा सीटें ली और ज़्यादा वोट लिए, 2018 में हमने 2013 से भी ज़्यादा सीटें ली और ज़्यादा वोट लिए, और अल्लाह ताला के करम से 2024 में हमने अपने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़े, अब ये हमने बेंचमार्क बहुत हाई सेट कर दिया है, अब हमें इस सूबे के लोगों की खिदमत वाकई करनी पड़ेगी, और इंशाल्लाह ताला बहुत ही माजरत के साथ अगले जो इस साइड के लोग, इधर भी शायद बहुत सारे हमारे बैठे होंगे इंशाल्लाह, हमारी यही कोशिश रहेगी, लेकिन हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी एक मजबूत किरदार अदा करके लोगों की खिदमत का सोचेंगे, इस असेंबली जो फोरम आपको मिला है सूबाई असेंबली का, उसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि लोगों की बेहतरी हो। पाकिस्तान, सूबा सिंध बल्कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात में है, मुझसे कहा गया कि आपकी तरजीहात क्या होंगी, सबसे पहले हमारी मुश्किलात क्या हैं, दहशतगर्दी दोबारा पिछले 5-6 महीने में बड़े वाकयात हुए, हमने कल दुआ भी कराई थी परसों जब हम कल हमने
अपने मेंबर की और उसके साथ साथ जो हमारे अफवाज बहादुर अफवाज के लोग शहीद हुए हैं इन दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए, हमने उसको देखना है। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ सूबह सिंध में जो स्ट्रीट क्राइम का इशू है, और मैं इसी वक्त मौका मिल गया, मैं अभी खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूँ, बैठे भी हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ केटे के चीफ मिनिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर साहब कि उन्होंने आज यहाँ तशरीफ लाए जिस तरीके से, और मैं बड़ा खुश हूँ इसलिए कि ये हमारी पार्टी का फैसला था, हमने और मैं शुक्रगुजार हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उस वक्त अपोजिशन में थी, जो तरीक़ेकार था कि चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलकर तय करते हैं, और उन्होंने माना, हमने जस्टिस मकबूल बाकर साहब का नाम दिया था और हम बड़े खुश हैं अपनी उस चॉइस पे, इसलिए कि वी न्यू वी लेफ्ट द प्रोविंस इन वेरी गुड हैंड्स एंड ही टेकन वेरी गुड केयर ऑफ द प्रोविंस। आई नो फॉर अ फैक्ट दैट ही इज लेफ्ट मोर मनी इन द किटी फॉर अस देन व्हाट वी हैड व्हेन वी लेफ्ट। तो अल्लाह ताला मैं दुआगो भी हूँ जस्टिस साहब के लिए कि आगे भी जो उनकी और मेरी दो तीन मुलाकातें हुई थी ड्यूरिंग द चीफ मिनिस्टर जॉब, जो मैंने उनकी डेडिकेशन देखी है और इस सूबे के और इस मुल्क के लोगों की खिदमत का जो जज्बा है, अल्लाह ताला उनको और मौके फराहम करे। और मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ कि आज अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि केटे के चीफ मिनिस्टर अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इधर बैठे हैं, मैं शुक्रगुजार भी हूँ आपका। तो खैर, स्ट्रीट क्राइम अनफॉर्चुनेटली बढ़ा, हमारे कच्छा का रिवरन एरिया जो है उसके ऑपरेशंस हमने रिव्यू करने हैं, ये इमीडिएट चैलेंजेस हैं जो सिंध हुकूमत को आएंगे, और इंशाल्लाह ताला मेरा कल इरादा है, मैंने गवर्नर साहब से टाइम लिया है, चीफ मिनिस्टर साहब से इजाज़त ली है कि कल शाम को ओथ लेंगे, तो कल शाम को, तब तक मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, जैसे ही ओथ लूँगा देन आई विल बी एबल टू एंटर ऑफिस। एंड व्हेन आई मेड माय लास्ट स्पीच इन 29th of July, इट वॉज अ फ्राइडे, I remember, and what I said, I told the bureaucracy was that I am an early riser. So even if I sleep at 5 a.m., I get up at 8. I don't know, there's something wrong with me. So I said, "Ji, I will be at 9 o'clock in the office. Whatever happens or doesn't happen, you will understand yourself." So my opinion is, Allah Taala has given me this third time the opportunity, so I think I have to come back with a new vigor. And inshallah, what is today's date? 26 से 27, 28 तारीख सुबह 9 बजे से हमारा काम शुरू हो जाएगा, वो रात में रेस्ट करने दे दूंगा लोगों को, सारे थके हुए होंगे, बट वी हैव टू वर्क हार्ड। वही लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड एक और बहुत बड़ा इशू जिसके लिए आप, मैं कहता हूँ कि तकरीबन हर इस सूबे का हर शख्स किसी न किसी तरीके से अफेक्ट है, वो है जो ड्रग अब्यूज़ या ड्रग एडिक्शन होगी, इन पर ख़ास तवज्जो होगी। तो लॉ एंड ऑर्डर ऑब्वियसली प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमने उस पर ख़ास तवज्जो देनी है। हमने पिछले 5 साल जो गुजरे, मैं पहले बोल लिया इसलिए ज़्यादा नहीं बोलता, बहुत कुछ हुआ था, लेकिन एक तो थे वो ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी, यानी एक वफाक को एक सूबे के साथ इस तरीके से पेश नहीं आना चाहिए था जैसे वो पेश आए। खैर, वो उनकी जो भी थॉट थी, उसमें जो भी थिंकिंग थी, उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने भी बड़ी आजमाइशें ली हमें। वो कोविड वाला ज़माना था, या उसके बाद 2020 में फ्लड आया, फिर 2022 में जो फ्लड आया था, इट वाज अनप्रेसिडेंटेड। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में 76 का फ्लड भी देखा है, 94 में फ्लड आया था वो भी देखा है, 2010 का फ्लड भी देखा है, 12-13 में भी आए थे फ्लड्स, फिर 2020, लेकिन 2022 वाले फ्लड जैसा, एक 42 का फ्लड का सुनते हैं ऑब्वियसली, आई एम नॉट दैट ओल्ड कि वो मुझे याद हो, ये पता मैं नहीं था उस वक्त, लेकिन उसके बारे में भी जो बड़े बात करते थे, 42 वाला फ्लड इससे कम था, तो ये जो फ्लड आया था ये तो डेफिनेटली 2010 से बहुत ज़्यादा था। इस फ्लड के दौरान मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप कहते हैं ना पीपल्स पार्टी क्यों जीती, कैसे की, अगर यार चले जाते ना थोड़ा लोगों से मिल लेते, और मैं कहता हूँ है तो अल्लाह ताला की ज़ात, लेकिन एक लीडर चाहिए आपको
चीज़ें बदलने के लिए, और इस मुल्क में वो एक लीडर मौजूद है, वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। अच्छा फ्लड हम तो आदि है ना, हमने मैंने कहा जी बड़ा एक्सपीरियंस मुझे जी 76 का फ्लड भी देखा है, 2010 में कायम अली शाह साहब के साथ काम किया है, लेकिन इस दफ़े मुझे पता नहीं था कि बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन है और उनकी क्या विजन है। हम फ्लड में जा रहे थे, उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम्स कैंसिल किए, फॉरेन मिनिस्टर थे ये टू गो अब्रॉड, उन्होंने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स अपनी ख़त्म की और साथ घूम रहे थे। जहाँ जाते थे तो लोग उनको कहते थे कि जी हमारे सर पे छत नहीं है, हम दर बदर हो गए टेंटों घूम रहे। तो उन्होंने मुझे कहा कि चीफ मिनिस्टर इनको घर बना के देने। मैंने कहा कि ये 76 की फ्लड, 2010 की फ्लड, कब घर बना के दे सके हम, और घर भी कितने 20-21 लाख। तो मैंने कहा चलें आज का दिन है, नौजवान चेयरमैन है, शायद सुबह तक भूल जाएंगे। अगले दिन जब दोबारा मुलाकात हुई उनसे, मुझे कहते क्या सोचा तुमने, मैंने फिर सोचना शुरू किया। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बताओ, प्लान दो और मुझे बताओ करना क्या है। मैं फॉरेन मिनिस्टर हूँ, आई कैन पुल स्ट्रिंग्स एंड ही कैन रियली पुल स्ट्रिंग्स। जो हमारे मुखालिफ भी कहते हैं, आपने सुना होगा दोस्तों ने, कि जी वो जो IMF की डेडलॉक था किसने उसमें से निकाला। वो अगर देख लें जो फाइनेंस मिनिस्टर थे एक्स डार साहब से पहले, उनकी स्पीच के जी बिलावल भुट्टो एक अलग ही चीज़ थे जिस तरीके से वो। उन्होंने मुझे कहा कि जी बताओ करना क्या है। खैर हमने हिसाब किताब किया, रीसेट के हमने लोगों के लिए घर बनाने हैं, अगर तो हमें फलाने फलाने इदारों की मदद चाहिए होगी। और उन्होंने कहा ठीक है बात शुरू करो। हमने बात शुरू की, मैं अपनी कैबिनेट जो मेरे साथ ब्यूरोक्रेसी थी उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतना फ्लड आया था आपको याद होगा अगस्त सितंबर में, बाय दिसंबर मतलब अभी ये पानी पूरी तरीके से निकला भी नहीं था, बाय दिसंबर वी हैड सच ए प्लान विच कुड बी इम्प्लीमेंटेड, और हमने वो करके दिखाया। जनवरी में हम जाते हैं जिनीवा, उससे पहले हमारे पास $2 अरब की कमिटमेंट्स थी फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक। और वो देखें, हम कहते हैं ना कैसे जीते इलेक्शन, मैं कहता हूँ 21 लाख घर मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, 32,000 घर है, 32,000 एक घर में चार लोग तो रहते हैं ना, तो कितने हो गए 1,28,000 घर लोग। मैंने तो सिर्फ 75,000 वोट लिए, सिर्फ वो जिनके पास जाने की भी जरूरत नहीं थी, और यही हाल पूरे सिंध में था। और अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी, और उस पर मैं बात करूंगा कि आगे हमारा प्रोग्राम क्या है, उन्होंने जो विजन दिया है, अपने जो 10 पॉइंट्स दिए हैं, दैट विल चेंज पाकिस्तान। मैंने कहा ना अगर आपने फर्क लाना है, एक शहीद जुल्फकार अली भुट्टो थे, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी हु हैड अ विजन, आसिफ अली जरदारी साहब थे, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने हमें यह आइन दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान कायम है, ये सब कहते हैं। आसिफ अली जरदारी ने इस आइन को अपनी असल शक्ल में लाए। यहाँ पे चल बोल ही लेता हूँ, मैंने सुना है कि कहीं तकरीर हुई है और उन्होंने बड़ा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे कहा है कि ये बड़ा क्रेडिट लिया है। अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो एक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को जाता है हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, दूसरा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जाता है। और मैं बताता हूँ क्यों। इंडिया ने जो अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो शहीद भुट्टो ने कहा, और सबको पता है कि वी लीड क्रास और विल मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। उन्होंने वो टीम इकट्ठी की, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और दुनिया की ऑपोजिशन, एक मुसलमान मुल्क न्यूक्लियर पावर बन जाए किसी को मंजूर नहीं था ये,
लेकिन शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो थे, उन्होंने वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी। अच्छा, वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो मिल रही थी, बट आपके पास डिलीवरी सिस्टम नहीं था। आपने वो बम बना के, अगर किसी को वाकई डेटरेंस चाहिए तो आपके पास वो डिलीवरी सिस्टम भी होना चाहिए। वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी जिन्होंने अपने दूसरे दौर में कोरिया, नॉर्थ कोरिया जाके किम इल सुंग से बोली। अब शायद लोग काफ़ी इसमें बात करें कि जी आपने बात की, बट उन्होंने अपने मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्वीर बनाया। ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है। जैसे मैंने कि उसके बाद जरदारी साहब थे जिनको विजन था कि अगर इस मुल्क को आगे ले जाना है तो हमने अपने आईन को अपनी शिकल में वापस लाना है। उस वक्त प्रेसिडेंट जरदारी के पास अनलिमिटेड पावर्स थे। उन डिक्टेटर्स ने इस आईन को मशक करके सदर के ओहदे को पार्लियामेंट से भी ऊपर कर दिया, तो उन्होंने अपने सारे इख्तियार पार्लियामेंट को दिए। और इंशाल्लाह ताला अगले महीने जरदारी साहब फिर हलफ उठाएंगे प्रेसिडेंट का। और मैं ये मौका आज ही ले लेता हूं, अपने सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सदर जरदारी साहब को वोट दीजिएगा प्रेसिडेंट का। उस वक्त खैर फॉर्मली भी आपके पास आएंगे, लेकिन अभी एक मौका है तो आज ही मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूं। तो ये वजूहत थी कि इस सूबे के लोग, और हम अपनी लीडरशिप के सामने थोड़े शर्मिंदा ज़रूर, इसलिए कि हम चाह ये रहे थे कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी हो इस सूबे में। बिल्कुल आपने बड़ी सही बात की, ख़त्म नबूवत की बात। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने बड़ा मुश्किल फैसला लिया था। हम चाह रहे थे, हमारा ये सोच थी कि अपने सूबे के ज़रिए हम, इसलिए कि हमारी हुकूमत सिर्फ सूबे सिंध में थी, हम ऐसा परफॉर्म करें। और मेरा ख्याल है हमने परफॉर्म किया। सूबे सिंध के लोगों ने तो जाना है, बहुत अपने अपने हो सकते हैं, हर चीज़ दुरुस्त नहीं है। ये कहना कि जी हमने सब कुछ ठीक कर दिया, ऐसे नहीं है, नहीं है। लेकिन ये सूबे के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत को जानते हैं, और इंशाल्लाह ताला अब हमारा तहिया है, जो भी मेरे साथ टीम आएगी, इन्हीं दोस्तों में मेरे साथ कैबिनेट मेंबर्स बनेंगे, और हमारी अपनी लीडरशिप से यही कमिटमेंट होगी कि इस दफ़े जो कोताहियां अगर हमने की हैं वो भी हम ना करें, और हम बिलावल भुट्टो जरदारी को अगले इलेक्शन में वो मेजॉरिटी दें, वो अपने वोटों से इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट से। और क्यों बनाएंगे आप प्राइम मिनिस्टर? इसलिए कि वो एक ही, मैंने आपको विजन बताया, और लोग भी थे जिन्होंने घरों वरों की बात की थी बगैर सोचे समझे, लेकिन ही फोर्स्ड हिज टीम टू वर्क ऑन इट एंड डिलीवर विद इन डेज, नॉट इवन वीक्स। ये प्रेशर होता था, और जैसे अभी कैमलिशा साहब ने भी कहा कि वो प्रेशर इनका पता है। और सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है जिन्होंने आगे का एक रास्ता दिया है, और हमारी कमिटमेंट इस सूबे के लोगों के साथ है कि हम, उन्होंने जो बताया है विजन अपना उन 10 नुकात में, हम अपने सूबे के हद तक उसको आगे लेके जाएंगे, और हम बाकी तीनों सूबों के लोगों को कन्विंस करेंगे कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मौका दें कि इस मुल्क को लीड करें। क्या वो 10 नुकात हैं? मैं थोड़ा सा सारे दोस्तों, इसलिए कि आपने शायद अपने जलसों में मगन रहे होंगे, शायद ना सुना हो, हमारी साइड के लोगों को भी माइंड रिफ्रेश करना चाहता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ, और मैं जब ये पढ़ूंगा तो आप देखेंगे कि सूबा सिंध में इन सब चीजों का आगाज हो चुका है। पहला उन्होंने कहा जी 5 साल में, इसलिए कि इस वक्त क्या है, मुल्क शदीद महंगाई, हमारे मुल्क के लोग शदीद महंगाई का शिकार है, बेरोजगारी का शिकार है। उन्होंने कहा कि जी मैं 5 साल में आमदनी दुगनी कर दूंगा। और ये सूबा सिंध, सईद गनी बैठे, लेबर मिनिस्टर थे मेरे साथ, हम हमेशा लीड लेते थे मिनिमम वेज में, बल्कि हमें तो बिलावल साहब ने कहा ये मिनिमम वेज छोड़ो, आप क्या
हाँ लिविंग वेज, मतलब जिससे आपका गुजारा हो सके, लेकिन जो भी हमारे वसाइल थे हमने सबसे पहले 35,000 रुपये जो आखिरी की थी वेज वो की, और फिर बाकी सूबे, और हमें इतना प्रेशर पड़ता था। आपको मजे की बात बताऊं, जब 2022 में मियां शहबाज शरीफ साहब अपनी पहली तकरीर करने के लिए असेंबली में खड़े हुए, तो हमने पॉइंट दिया कि जी आपने मिनिमम वेज 32,500 करनी थी, मुझे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मुझे उन वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने फ़ोन किया, यार छोड़ो ना, ये नहीं हो सकता, तुम एक काम करो 30 पे मान जाओ, हम 30 का ऐलान करते हैं। मैंने कहा आप भले 30 करो, हम सूबे में उस वक्त 32,500 थी हमारी, हम 32,500 कर चुके, करनी पड़ेगी, और शहबाज शरीफ साहब को ऐलान करना पड़ा था। तो इंशाल्लाह ताला जो उनका पहला वादा है, गरीब तबके के लोगों के लिए 300 यूनिट बिजली थ्रू सोलर पावर। इधर इम्तियाज शेख साहब बैठे हैं, सारे काम हम सिंध में शुरू कर चुके हैं। हमने सोलर रूफटॉप्स का प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, जिसमें इस वक्त बहुत कम है, 2 लाख घरों को हम कर रहे हैं। एक हमने स्कोप बहुत बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें हमने शुरुआत की हुई हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और इधर फारूक भाई ने बात की, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमें इस सूबे के लोगों की पढ़ाई के लिए, जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनके लिए काम करना है, और बहुत हमने काम करना है। और ये एक स्पेसिफिक पॉइंट उन्होंने अपने मंशूर का रखा है, पूरे पाकिस्तान में सेहत का मुफ्त निज़ाम कायम करना। अब ये तो सूबा सिंध लीड कर रहा है, कायम अली शाह साहब ने अभी बताया, NICVD, ट्रामा सेंटर, पीर अब्दुल कादिर शाह इंस्टीट्यूट गंबट, यहाँ JPMC, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं सिंध में मुफ्त इलाज कराने। और ये तो हर एक हमारा जो शदीद क्रिटिक है वो भी इसको मानता है कि जी वाकई हेल्थ के शोबे में पीपल्स पार्टी ने बड़ा काम किया। तो हम सिंध में ये शुरुआत कर चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का प्रोग्राम था पूरे पाकिस्तान में करने का उन्हें मौका मिला है। तो अभी सिंध में इतना मुस्तहकम करेंगे कि इंशाल्लाह ताला बाकी सूबों के लोग हमें बताएंगे कि करना है। घरों के लिए उन्होंने कहा कि अब ये तो मैंने सिंध में 20 लाख घर बनाए, मैंने पूरे पाकिस्तान में जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है उनको घर बना के देने। हमने फ्लड अफेक्टेड एरियाज में तो घर बना लिए, लेकिन जो नॉन फ्लड अफेक्टेड एरियाज, खासतौर पर हमारे अर्बन एरियाज में जो कच्ची आबादियाँ हैं, उनके लिए भी हमने ये काम करना है कि लोगों के पास एक पक्की छत हो, अपना घर हो उनके पास। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का विजन था, जो कि सदर आसिफ अली जरदारी ने सदर बनते ही एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की तरीके से उसका आगाज किया और वो आगे बढ़ा है। उसके उन्होंने कहा है कि उसमें मजीद इजाफा करना है। किसान कार्ड का इजरा, अगेन इस्माइल राव साहब बैठे होंगे, उसके बाद हमारे यंग मेंबर बैरिस्टर आलार के वालिद साहब एडवाइज़र थे। ये किसान कार्ड हम बना चुके हैं सिंध में, जिसके ज़रिए हम ये, और ये भी कैसे हुआ था, जब फ्लड्स के दौरान हमने कहा कि जी हमने किसानों को सीड और फर्टिलाइज़र के पैसे देने, तो हमारे पास डेटाबेस ही नहीं था, हमने उस पर काम शुरू किया, और हमें फिर ज़मींदारों के थ्रू जाना पड़ा, लेकिन हमने उस पर सारा होमवर्क कर लिया और किसान कार्ड का पूरा प्रोग्राम बना दिया। और उसी को देख के बिलावल साहब ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में जाना है। मुल्क भर में मजदूरों की समाजी तहफ़ और पेंशन को यकीनी बनाने के लिए मजदूर कार्ड, सही बना चुके हैं? नहीं, हम बना चुके हैं। आप कहते हैं ना वोट क्यों मिले सिंध में, ये मुझे आती है कि हमने परफॉर्म किया है, हमने सिंध के लोगों को उम्मीद दी है कि पीपल्स पार्टी है जो उनको आगे ले जाती है। अभी तो वैसे मैंने कहा कि हमें बहुत तहफ़ुज़ात हैं, मैंने कंजर्वेटिवों के 90-95 कहा था अगले दफ़े हम सिर्फ जनरल सीट्स पे सेंचुरी करेंगे इंशाल्लाह, और अपने काम से करेंगे। नौजवान, उनके लिए अगेन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की विजन, कहते हैं कि मुझे हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूथ सेंटर बना के दो, और हमारी बजट में मौजूद है और वो बन रहे हैं यूथ सेंटर्स। हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूथ सेंटर, जहाँ पे लाइब्रेरी, जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सहूलत, जहाँ पे करियर प्लानिंग के लिए सहूलत, और अब हमने उसको आगे लेके जाना है डिस्ट्रिक्ट से तहसील लेवल पे।
और मुल्क भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटा प्रोग्राम, इस पर भी हमारा सारा जो हमारा नया डिपार्टमेंट हमने खोला था, मेरे तो जहन में इतने दिन हो गए बाहर रहा हूँ मैं गवर्नमेंट से, सोशल प्रोटेक्शन भी मैं भूल गया हूँ सारे, सोशल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, उसका काम ही ये था। हमने सारा अपना तैयार किया हुआ है इंशाल्लाह ताला, और हमने शुरू भी कर दिया है थरपारकर में और उमरकोट में, दो डिस्ट्रिक्ट में हमने शुरू किया था और हम उसको आगे ले जाएंगे। तो ये प्रोग्राम, ये हमारी तरजीहात हैं जिनको लेके हम आगे बढ़ेंगे। एक और ज़रूरी चीज़ के जी, यार आप चुप रहे, ये आपकी जो है ना हमारे दुश्मनों की रट, भाई सिंध के लोगों से पूछें क्यों वोट करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। खैर मैं डायलॉग में नहीं होना चाहता, हाँ ये होते हैं हारे, बहुत ही माजरत के साथ जो नहीं जीत सकते वो फिर वही दूसरे लोगों में गलत इल्ज़ाम लगाते। खैर एक चीज़ जिस पे हमने काम करना, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और ये सारे मेम्बरान हमारी साइड वाले उसको जानते हैं, वो चाहते हैं कि जी मेरा इस वक्त मिशन है कि मैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मैं हर जगह पहुँचा सकूँ पूरे सिंध के अंदर। और ये है प्रॉब्लम, हम ये नहीं कहते कि सब ठीक है, ये प्रॉब्लम है और इस पर हम ख़ास तौर पर काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। इधर मैं जब आया ना इधर, आज भी मैंने सुना देही शहरी, ठीक है देही और शहरी कहते, मैं कराची में पैदा हुआ, इधर जब मैं आया ना अपनी साइड वाले तो सब मुझे जानते थे, मुझे एक उस साइड पे बैठे हुए दोस्त मिले, अब दोस्ती कहूँगा इसलिए कि सारे हम मेंबर ऑनरेबल मेंबर मिले, उन्हें कहा कि मैं भी सेंट पैट्रिक से पढ़ा हुआ, आप भी सेंट पैट्रिक से पढ़े। आगे गया तो एक और मिले, जी मैं एनईडी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, आप भी एनईडी यूनिवर्सिटी से पढ़े। ओ भाई मैं इस शहर को अगर आपसे ज़्यादा नहीं तो आपसे कम नहीं जानता, आप लोग सब के सब मेरा ख्याल है, हो सकता है कोई एक आध मेरे से उम्र में बड़ा हो, उम्र में मेरे से छोटे हैं। मैंने इस शहर का वो टाइम भी देखा है जब मैं रात को दो दो तीन तीन बजे नाजमाबाद नॉर्थ नाजमाबाद वो सब्जी मंडी पे छोले खाने जाया करता था नाश्ता करने, सुबह तीन बजे कहीं और नहीं मिलता था नाश्ता, अब बड़ा मुश्किल हो गया, उसकी बड़ी वजूहत है। तो इस शहर के लिए इंशाल्लाह ताला, और हमने किया है इसी वजह से, हमारे पास इस शहर के लोगों ने और हैदराबाद के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर पहली बार चुना है और आगे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकालेगी शहर से। और कराची को भी आप कि सिंध का हिस्सा समझे, रेहान राजपूत भाई थे ना उधर हैदराबाद से, उन्होंने तकरीर की, कहा कि जी मैं सिंध जाता हूँ, मैं हैदराबाद से थर जाता हूँ और उधर बड़े मिलनसार हैं यार, कराची के लोग भी बड़े मिलनसार हैं, उधर भी आ जाया करें कभी कभी, सिंध का हिस्सा पता नहीं उधर ही जाते। तो ये मेहरबानी करके अपने, अगर कोई दिमाग में ऐसी बात है कि समझते हैं कि सिंध कराची को कोई सिंध से अलग समझते हैं तो वो अपने दिमाग से निकाल दें, हम अब बहुत हो गई है, हम ये 85 से ये शुरू हुई थी बात और जिसने शुरू की थी उसको अब आप लोग भी नहीं मानते, उसको आप लोग डिसोन कर चुके हैं। तो अब आगे बढ़े और ये जो फ्लॉड थिंकिंग है उसको दूर करें अगर इस सूबे के इस शहर के लोगों की भलाई चाहते हैं। मैं ज़्यादा और वक्त नहीं लूँगा इसलिए कि, और जैसे टाइम मलेशिया साहब ने कहा, बहुत मौके मिलेंगे बात करने के, और मैं इस दफ़े चाहूँगा कि कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो, हमें भी बात करने दी जाए। स्पीकर साहब मुझे पता है और मैंने आपके पहले दो दिन के कॉन्टेक्ट में देख लिया है कि इंशाल्लाह ताला आप सबको साथ लेके चलेंगे, अपोजिशन को भी, जो भी अपोजिशन बनती है, जो भी लीडर ऑफ द अपोजिशन बनते हैं, पूरा मौका दिया जाए। अगर ये चीफ मिनिस्टर का सीट नंबर 1 होता है तो लीडर ऑफ द अपोजिशन का सीट नंबर 2 होता है, सब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन वो होता है उसमें, लेकिन उसको जो भी बने वो रिवायत इस हाउस की बरकरार रखनी, ये नहीं कि इधर आगे सामने खड़ा होके और मैं तो कह भी नहीं सकता क्या मुगलजात क्या कहते हैं मुगजल छोड़े वट एवर आप लोग को जानते, मैं तो लफ्ज़ भी ये कह भी नहीं सकता, ठीक है जी,
नहीं, वो मुश्किल ये लफ्ज है जो मैं बोलना नहीं चाहता, उर्दू मेरी बहुत अच्छी है, आप लोगों से अच्छी है, ठीक है जी। तो वो मुझे सिखाया नहीं गया कभी, वो कहते थे ऐसे अगर रवायत रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, फिर 5 साल बाद मैं, लेकिन उम्मीद रखता हूँ, मुझे लगता है कि शायद अली खुर्शीदी साहब पहले ही आके बैठ गए इस कुर्सी पे तो आगे शायद विराजमान होंगे इंशाल्लाह ताला। बड़ी अच्छी हमारी रहेगी एक पार्टनरशिप, इसलिए कि हम सब मिलके इस सूबे की बात करना चाहते हैं। यहाँ पे बात हुई थी, मैं अपनी तकरीर ख़त्म करने से पहले ज़रूर बात करूँगा इस वक्त जो आलम इस्लाम में मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, चाहे वो कश्मीर में हो जहाँ पे जो हुकूमत है हिंदुस्तान की, उसने जुल्म और बर्बरियत का एक तूफान बरपा किया हुआ है, चाहे वो फलस्तीन और गाज़ा में उन निहत्ते लोगों के ऊपर जो बमबारी इसराइल कर रहा है उसकी सख्त मजम्मत भी करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मेरा ख्याल है सबसे पहले जलसा किया था जिस पे उन्होंने, और मैं दोबारा कहता हूँ कि अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, अगर ये मुल्क की भागदौड़ बिलावल भुट्टो जरदारी के पास होती, जैसे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के ज़माने में किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुसलमानों के ऊपर के को किसी मैली नज़र से देखे, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान को लीड करेंगे इंशाल्लाह ताला जल्द करेंगे, वही वक्त वापस आएगा, एक इस्लामिक ब्लॉक जो उन्होंने बनाया था तो ऐसे बनाएंगे। मैं कहता हूँ कि हम सबको ये जो मुश्किल वक्त है उसमें आपने वो विजनरी लीडर ढूंढना है, वो विजनरी लीडर आपके सामने है। जैसे कायम अली शाह साहब ने कहा, आंखें हैं देखो, और बाकी जो है ना, अब मैं किसी और लीडर के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, आज पहला दिन है, आगे जाके जरूर हो सकता है कि दो दो हाथ हो उनके बारे में। मैंने तो भुगता है भाई, मैंने तो भुगता है, जो डायरेक्ट ऑर्डर आते थे कि ये अगर कल तक अरेस्ट नहीं हुआ तो मैं फलाना ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं बहुत कुछ चीज़ें मुझे पता हैं जो कि इंशाल्लाह मैं, यू नो ऑब्वियसली इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट सिक्योरिटी आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन अगर आपने इस मुल्क को आगे बढ़ाना है तो मुल्क का फ्यूचर बिलावल भुट्टो जरदारी है, और हम सब ने, और मैं अपने ऑपोजिशन के दोस्तों से भी कहूँगा कि साथ मिले, या कोई और अगर नज़र आता है तो बता दें, दिखा दें, तो इंशाल्लाह ताला अगले 5 साल हम कोशिश करेंगे कि इस सूबे के लोगों की मज़ीद खिदमत करें और अपनी काम से, अपनी खिदमत से हम ना सिर्फ सूबे सिंध बल्कि, और मैं ये बड़ी यू नो अपने खुद नहीं कहना चाहिए लेकिन ये मैं चैलेंज करता हूँ, जो पिछले 2018 से 23 तक चारों सूबों की कंपैरिजन जिस तरीके से चाहे कर लें आप, वो टूटी फूटी सड़कें दिखा के और कुछ रात को टेलीविजन प्रोग्राम में अपनी रेटिंग्स के लिए जो बात करते हैं वो बहुत अच्छा है, वो भाई अगर इन रेटिंग्स पे ही सब होना होता तो ये सूबे सिंध के लोग 112 सीटें बल्कि 114 हैं, दो अभी हलफ नहीं उठाए उन्होंने, 100 बल्कि और भी हैं, वो 115 एक हमारे डेथ हो गई, ये सीटें नहीं दिलाते, ये 2/3 मेजॉरिटी नहीं आती हमारी अगर हमने सिंध के लोगों की खिदमत नहीं की होती। और मैं बड़ा खुश भी हुआ था ये ड्यूरिंग दिस इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन के अगले दिन ही मैं एक चैनल देख रहा था, वो टेलीविजन आ रहा था, तो उन्होंने कहा था, एक सीनियर एंकर्स ने 2-3 कहा था कि हमें अपनी यू नो गरीबान में झांकना होगा कि हम क्या करते रहे, ये उसने कहा था कि हम क्या करते रहे, हम क्यों सिर्फ, और यही लफ्ज था कि सिर्फ अपनी रेटिंग्स के लिए क्यों हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को बुरा भला कहते रहे, इन्होंने तो करके दिखाया। और ये मैं गारंटी करता हूँ बाकी भी इलेक्शन हुए हमारे, इधर सवालात होते हैं ना,
ये फॉर्म 45 मैं एक एक इधर इस तरफ जो भी बैठे हैं एक एक के फॉर्म 45 की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, एक एक की। मैंने शब्बीर को कहा है कि मैं दिला तीर भिजा कर बजाना शुरू कर दूंगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। सबसे पहले शब्बीर राज्य का पुराना दोस्त है हमारा, सारे दोस्त है, तो एक एक का हिसाब देने के लिए तैयार है हम। आए तो सही ना भाई, मुझे समझ नहीं आती, इलेक्शन लड़े नहीं, इलेक्शन के दिन पता नहीं जैसे कैमरे साहब कह रहे हम अगले दिन से इलेक्शन के लिए तैयारी करते हैं और हमें लोगों के पास जाना पड़ता है, लोगों की नब्ज जानते हैं, जो हमसे नाराज है उसको मनाना जानते हैं और वोट के लिए हम उनके पास जाते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं। ऐसे नहीं घर बैठे हुए कि जी हम जीत गए, ऐसे नहीं होता। और इसीलिए हम जानते हैं एक 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 मेंबर, मैं जिम्मा लेता हूं हर मेंबर का, लेकिन एक एक मेंबर खुद बड़ा जिम्मेदार है, वो अपनी जीत बताएगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कन्विंसिंगली ये इलेक्शन जीता है और इसलिए अब वो जो सूबह सिंध को खामखा बदनाम करने वाली बात है ना, उसको ख़त्म किया जाए और सूबह सिंध से सीखा जाए और आगे चला जाए। मैं एक बार फिर स्पीकर साहब आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, रिलेटिवली यंग, नॉट द यंगेस्ट, यू टोल्ड मी, आई टोल्ड यू नो यू आर नॉट द यंगेस्ट, दे वर यंगर चीफ स्पीकर्स हियर, रिलेटिवली यंग, वी हैव लॉट्स ऑफ होप्स इन यू, द पार्टी हैज लॉट्स ऑफ होप्स इन यू, एंथनी नवीद, हमारा मैंने कहा ना ऑल इंक्लूसिव, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाइट पार्टी है, यहाँ दो खवातीन जनरल सीट्स पे जीत के आई हैं, आपके पास है कोई? हमारे यहाँ एक रिजर्व सीट वाला कौमी असेंबली का मेंबर है, सॉरी रिजर्व सीट वाला कह रहा हूं, माइनॉरिटी का, डायरेक्ट इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में इंक्लूसिविटी ये होती है। हमने एक क्रिश्चियन को पहली बार डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पे बिठाया है, बताएं तो सही कोई और ये कर सकता है? तो भाई ये सारी चीजें हैं और हम एक एमपी भी है हरिराम को, मैं भूल गया था, माफ करना यार, राम राम। मैं ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सबको साथ लेके चलती है आगे और हम आप चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें इस सूबे की खिदमत के लिए। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूं और इंशाल्लाह ताला हम मिलके इस सूबे की बेहतरी के लिए कोशा रहेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है। और ख़ासतौर पे मैं ये कहूंगा कि एक फ़र्क मुझे नज़र आया है, 2018 में जब हम जीत के आए थे तो पहले तीन दिन इतने खुश असलूबी से नहीं, आपको याद होगा जो लोग मेरे साथ थे इधर, अजीब ही माहौल बन गया था इस दफ़े। और मैं सब दोस्तों से कहूंगा कि साथ मिले, आपकी जो ग्रीवेंसेस हैं आप उनको सही फोरम्स में पेश करें, आपको हुकूमत से कोई शिकायत हो हम बैठे हैं, ये असेंबली जवाबदेह है, सॉरी ये हुकूमत जवाबदेह है असेंबली को, वी आर आंसरेबल, वी आर अकाउंटेबल टू यू, होल्ड अस अकाउंटेबल बट डू इट इन अ मैनर दैट वी फील अकाउंटेबल एंड वी डोंट फील प्रोसिक्यूटेड के जी हमें तो ये इल्ज़ाम कराची में सारा दिन गुजार रहे हैं तो फिर काम नहीं चलेगा। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब साथ मिलकर इस सूबे को के लिए बेहतरी करेंगे। स्पीकर साहब मैं आपका एक बार फिर और अपने पूरे मेंबर्स का, अपनी लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ कि मुझ पर ऊपर मेरे ऊपर भरोसा किया है और मैं रब से यही दुआ मांगता हूँ कि जितना टाइम है वो इज्जत से गुजारे और इज्जत से जब भी मुझे जाना हो, मैं कोई रब के अलावा कोई ज़ात हमेशा के लिए नहीं होती, जब भी जाना हो इज्जत से मैं जाऊँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बार फिर अगली बार बिलावल भुट्टो आवाम के वोटों से वजीर आजम मुंतखब होंगे, कारकर्दगी दिखाकर बिलावल भुट्टो को अगली बार वजीर आजम बनवाएंगे, दीगर तीन सूबों के आवाम को भी पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए कायल करेंगे। नौ मुंतखब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इजहार ख्याल कर रहे थे, उन्होंने मजीद कहा कि जो सीटें हमसे ली गईं वापस लेने के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे, हमें भी नतीजे पर एतराज हैं मगर कानूनी रास्ता अपनाएंगे। Sir,
मुराद अली शाह सिंध असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी अगले महीने फिर सदर का हल्फ उठाएंगे। सिंध के अरकान को कहता हूं कि आसिफ जरदारी को सदर का वोट दें। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए।